हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपके अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास टेंथ की जो आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर नंबर थ्री टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ओके okay, तो ये जो थर्ड चैप्टर है इसमें दो पार्ट्स हैं पार्ट नंबर वन था द फर्स्ट फ्लाइट जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके सारे एम आई क्यूज़ यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं आपको आपको मिल चुके हैं रेडी होके वो और आज हम देखेंगे थर्ड चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी है विच इज़ द ब्लैक एरोप्लेन आज हम इस चैप्टर के एम आई क्यूज यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड पढ़ने वाले हैं ओके सो लेट्स बिगिन विथ आर एम आई क्यूज ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन सबसे पहले हम कुछ एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर टाइप देखेंगे एंड देन लास्ट में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे ओके okay? सो so, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो आपको इन एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ना है अच्छे से एंड उसके बाद इन्हीं एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गिवेन है आपको उन क्वेश्चन को आंसर करना है ओके फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं आई take टेक दैट रिस्क आई थॉट एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉम clouds, द was एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक इट वॉज इम्पॉसिबल टू the एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन तो ये जो बात कर रहे हैं ये जो आय है आयल यानी कि मैं ये आय नरेटर की बात हो रही है यानी कि जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं और वही पायलट थे एक एरोप्लेन के ब्लैक एरोप्लेन के नहीं एक एरोप्लेन बोला है मैंने ब्लैक एरोप्लेन दूसरा का तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई सामने एक स्टॉम यानी कि तूफ़ान भरे क्लाउड्स हैं उनके फ्यूल टैंक में भी फ्यूल कम था और वापस पेरिस की तरफ वो जा नहीं सकते थे क्योंकि 150 फिफ्टी किलोमीटर्स वो ट्रैवल करके ऑलरेडी आ चुके थे तो क्या करें उन्होंने ये रिस्क लिया कि चलो भाई मैं अपने ये जो मेरा प्लेन है जिसका नाम है ओल्ड डकोटा इसको मैं स्टॉम में अंदर स्टॉम वाले बादलों के अंदर क्लाउड्स में अंदर लेकर जाता हूँ और क्लाउड्स के अंदर जैसे ही वो गए उन्होंने देखा सडनली सब कुछ बहुत ब्लैक हो गया सब कुछ काले बादल थे वो तो सब कुछ ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे और एरोप्लेन के बाहर देखना विंडो के बाहर देखना कुछ भी दिखना वहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था वो काले स्टॉम यानी कि जो बरसने वाले बादल होते हैं यानी कि जो स्टॉमी क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर वो चले गए थे द ओल्ड एरोप्लेन जम्पड एंड ट्विस्टेड इन द एयर ये जो ओल्ड एरोप्लेन है यानी कि जो ओल्ड अकोटा एरोप्लेन था ये जम्प एंड ट्विस्टेड यानी क्योंकि अगर आप तूफान में अगर एरोप्लेन चले जाता है तो क्या होता है एरोप्लेन ऊपर नीचे इधर उधर इस तरीके से डिसबैलेंस होने लगता है जिक्सैक्ट मैनर में कहीं इधर कभी उधर जाने लग गया मतलब पूरा मिसमैनेज हो गया एरोप्लेन आई लुक डट द कंपस आई कुडेंट बिलीव माई आइस द कंपस टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड इट वॉज डेड इट वुड नॉट वर्क अब क्योंकि पूरा एरोप्लेन डिसबैलेंस हो गया था एग्जैक्ट मैनर में कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है ऊपर ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है तो जो नरेटर है उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं तो उन्होंने सोचा मैं चलो अपने कंपस को देखता हूं कंपस क्या होता है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से जिसमें आपको डायरेक्शंस पता चलती हैं कि ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट और बीच में इस तरीके की एक नीडल्स ऐसी होती है जो बताती है आपको कि आप किस डायरेक्शन में हो नॉर्थ में हो तो नॉर्थ बताएगी साउथ में तो साउथ बताएगी और जैसे ही उन्होंने अपने कंपस को देखा तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो कंपस की ये जो नीडल है ये राउंड 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 होने लगी कोई डायरेक्शन बता ही नहीं रही थी कि वो किस डायरेक्शन में यानी कि जो कंपस था वो डेड हो गया था कंपस इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया था उस स्टॉमी क्लाउड के अंदर और वो चलना यानी कि वर्क करना बंद हो गया था कंप्लीटली लॉस्ट हो गए थे हमारे नरेटर ओके okay? तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट ओवर होता है एंड नाउ लेट्स सी फ्यू यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट displays द रीजन why इट was impossible टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन आपको इन चार ऑप्शंस में से यानी कि चार रीजंस में से एक रीजन एक वजह चूज करनी है कि क्यों एरोप्लेन के बाहर जब नरेटर देख रहे थे तो कुछ भी देखना नामुमकिन था यानी बिल्कुल इम्पॉसिबल था तो क्या रीजन हो सकता है ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एज देर हिलस्टॉम्स आउटसाइड बाहर यानी बर्फ के ओले गिर रहे थे क्या ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा में में चैप्टर भी ऐसा नहीं था एज देर हर जगह डार्क क्लाउड्स यानी काले बादल थे यानी तूफानी बादल थे वो इस वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था yes, ये एक ऑप्शन हो सकता है फिर भी दूसरे ऑप्शन देखते हैं इट वॉज नाइट टाइम रात का समय था रात का समय तो पहले भी था जब उन्होंने फ्रांस से फ्लाई करना स्टार्ट किया था तब कोई क्लाउड्स नहीं थे स्काई क्लियर था और जो उनकी जर्नी हो रही थी वो बिल्कुल क्लियर स्मूथ जर्नी चल रही थी तो रात तो तब भी थी लेकिन क्या इतनी डिफिकल्ट इम्पॉसिबल थोड़ी था तब उनके लिए देखना यस yes? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा ऑल ऑफ दी अबव ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन ऑब्वियसली ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन नहीं है दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ डिड दी ओल्ड एरोप्लेन रिएक्ट इन दी क्लाउड्स ये जो ओल्ड एरोप्लेन है यानी जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन का नाम है ये क्लाउड्स में यानी बादलों के बीच कैसे रिएक्ट कर रहा था यानी किस तरीके से बिहेव कर रहा था ऑप्शन देखते हैं ए इट वॉज परफेक्टली वर्किंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा था वो स्टॉमी क्लाउड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं वो तो पूरा ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा था इट वॉज गोइंग डाउन क्या वो नीचे की तरफ जा रहा था नहीं नीचे की तरफ नहीं जा रहा था वो जिस डायरेक्शन में था बस इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे जा रहा था नीचे की तरफ नहीं जा रहा था

Flying the old Dakota into the storm is the risk behind referred to referred to in the given statement. गि स्टेटमेंट ये जो old Dakota जो aeroplane था उनका इसको fly करना storm के बीच में यानी तूफानी बादलों के बीच में इसके बीच में अपने aeroplane को fly करना यही risk के बारे में रिफर करा गया है इस statement में क्योंकि अगर आप तूफानी बादलों के अंदर जाओगे तो ऑब्वियसली आपके एरोप्लेन को प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूल का इश्यू आ सकता है पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं बहुत सारे रिस्क इसमें इन्वाल्व होते हैं और नरेटर ये रिस्क ले क्यों रहे हैं नरेटर इज गेट हिज होम इन इंग्लैंड एंड अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफेस्ट तो ये नरेटर रिस्क सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मुझे इंग्लैंड जाना है क्योंकि ये फ्लाइट फ्रांस से इंग्लैंड जा रही थी और इंग्लैंड नरेटर यानी जो पायलट थे उनका होमटाउन था उनका घर इंग्लैंड में था तो और उनको दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे तो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन इन्जॉय करना है मुझे तो वो गुड नाइस जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है वो खाना है एक टेबल पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ इसीलिए उन्होंने ये रिस्क ले लिया कि चलो मैं स्टॉम के अंदर चले जाता हूँ जस्ट बिकॉज उनको उनकी फ़ैमिली के साथ एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था अपने घर की याद आ रही थी तो उन्होंने इतने सारे पैशन की जो लाइफ थी वो स्टेक पर डाल दी तो ये तो उन्होंने एक रिस्क लिया एंड सम वो बच गए लेकिन इतना बड़ा रिस्क उनको डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन टू द कंपस ऑफ द प्लेन जो प्लेन में कंपस था वही इंस्ट्रूमेंट जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस बताता है उसको क्या हो गया था तो ऑब्वियसली एंड में जब उन्होंने कंपस देखने की कोशिश करी थी कि चलो उसमें देखता हूं कि मैं आखिर हूं किस डायरेक्शन में तो उनका उनके आंखों पे उनको विश्वास नहीं हो रहा था he couldn't believe his eyes because compass dead हो चुका था compass ने भी काम करना बंद कर दिया था इट मैल फंक्शन करना यानी कि चलना बंद हो गया था खराब हो गया था ओके okay? यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर वन जो है वो फिनिश होता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे हम सो लेट्स रीड दिस एक्सट्रैक्ट ओके another aeroplane up there in the storm no other planes were flying tonight yours was the only one i could see on the radar so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights so ye jo uh, statements are starting k एरोप्लेन उनका स्टॉप में चला गया था सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए थे फ्यूल टैंक कुछ मिनट का ही बचा था तो जो नरेटर है वो कंफ्यूज हो गई कि वो क्या करे सडनली उनको एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन वहां पे उनके एरोप्लेन के आगे दिखा और उन्होंने देखा कि जो उसका पायलट बैठा है उन्होंने उसको इशारा किया कि मुझे फॉलो करो और जहां जहां वो ब्लैक एरोप्लेन जाता गया ये नरेटर ने अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो है उनको फॉलो किया और जाते जाते वो नीचे की तरफ एक तरीके से क्लाउड से बाहर निकल गए और उनको दो लाइट्स की लाइन दिखने लग गई यानी कि उनको रनवे दिखने लग गया कि चलो मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गया सेफली एयरपोर्ट पहुंच गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है है ना तो उन्होंने सोचा कि यार मुझे इस एरोप्लेन के जो पायलट ने इतनी हेल्प करी इतना मुझे गाइड किया तो उसको थैंक यू बोलना तो मेरा बनता है इसीलिए वो उसी वक्त कहा चले गए पेरिस के कंट्रोल स्टेशन में पेरिस के नहीं इंग्लैंड के कंट्रोल स्टेशन में गए वो पूछने के लिए कि वो जो एरोप्लेन ऊपर मेरे साथ वो क्लाउड्स में था उसका पायलट कहा है तो जो वहां पे लेडी बैठी होती है वो हमारे नरेटर कहती है एरोप्लेन एक और एरोप्लेन ऊपर स्टॉम वाले क्लाउड्स में मैंने तो कोई और एरो आज कोई दूसरे एरोप्लेन तो रात में फ्लाई कर ही नहीं रहे यानी सिर्फ आप ही का एरोप्लेन था जो ऊपर स्काई में आज फ्लाई कर रहा था और जब मैंने रडार पे देखा यानी जब मैंने रेडार क्या होता है एक सिस्टम होता है दैट यूज द रेडियो वेव्स फॉर फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ द एरोप्लेन जब कंट्रोल स्टेशन में वो लोग लो अपने मैप वैप लेके सब बैठे रहते हैं और ऊपर में ऊपर स्काई में जो भी एरोप्लेन जिस भी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं वो क्लियरली उसको देख पाते हैं कि किस डायरेक्शन में वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और किस चीज़ को यूज करके रेडियो वेव यूज़ करके वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं कंट्रोल यूनिट वाले ओके okay? तो लेडी वहाँ कहती है कि जब मैंने रडार पे यानी जब मैंने मैप पे रेडियो वेव्स के थ्रू देखा तो सिर्फ अकेला आप ही का एरोप्लेन था जो ऊपर स्काई में आज फ्लाई कर रहा था आज तो और कोई एरोप्लेन कोई और फ्लाइट्स थी ही नहीं फिर नरेटर सोचते हैं तो फिर वो कौन था जिसने मेरी ऊपर हेल्प करी थी किसने मेरी हेल्प करी मुझे सेफली यहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचाने में और जबकि मेरा तो कंपस मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए थे मेरा रेडियो डेड हो गया था और मेरे टैंक्स में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था मैं इतनी बुरी डेंजरस सिचुएशन में था तो फिर मेरी मदद किसने करी ऊपर मैंने कौन सा एरोप्लेन देखा कौन सा पायलट देखा वो कौन सा पायलट था उस ट्रेंज ब्लैक कलर के एरोप्लेन में जो मेरे एरोप्लेन के साथ उस टॉमी क्लाउड में फ्लाई कर रहा था और वो भी लाइट्स के बिना क्योंकि जो वो ब्लैक एरोप्लेन था उसके विंग्स में साइड में कोई लाइट भी नहीं थी ओके okay, तो ऐसा सब कुछ सोचते हैं तो ये उनको एक मेरिकल की तरह लग रहा था कि कौन था या ये उनके सब कॉन्शियस माइंड में कोई एक और एरोप्लेन था या कह सकते हैं गॉड का मेरिकल नो वन यहाँ पे क्योंकि हमारे जो जो हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के उन्होंने यहाँ पे स्टोरी खत्म कर दी थी उन्होंने हमें छोड़ दिया था सोचने के लिए कि अब आप सोचो आगे क्या रहा होगा ओके okay? तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रैक्ट भी होता है नाउ लेट्स आंसर फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्स्ट्रैक्ट चूज द ऑप्शन दैट लाइज दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आपको सिक्स स्टेटमेंट यानी छह सेंटेंसेज दिए हुए हैं आपको उनमें से वो सेंटेंसेस चूज करने जो नॉट ट्रू हैं यानी कि जो सही नहीं है यानी कि बेसिकली जो फॉल्स स्टेटमेंट हैं जो गलत वाले हैं वो आपको चूज करने हैं एक्स्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए ओके और उसके बाद हमें इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है

ये तो गलत स्टेटमेंट है ऐसा तो कोई भी नहीं था उसमें नरेटर को तो खुद नहीं पता वो कौन सा एरोप्लेन था और उसमें कौन सा पायलट बैठा था यस yes, तो ये नॉट ट्रू है यानी फॉल्स है तो इसको हम चूज करेंगे द अदर एरोप्लेन द कॉन्शियस जो दूसरा एरोप्लेन उनको दिखा वो नरेटर का इनर कॉन्शियस है यानी कि उनका एक मन का कुछ शायद वहम कह सकते हैं या उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि अच्छा ऐसा कोई एरोप्लेन है तो यस हम ये चीज़ कह सकते हैं क्योंकि रियल में तो कोई एरोप्लेन वहां था ही नहीं जैसा कि वो कंट्रोल यूनिट की लेडी ने बताया यस yes, तो उनके मन का कोई शायद वो वहम कुछ इन मतलब उनका कुछ इनर कॉन्शियस ही था ओके okay? तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इसको चूज नहीं करना है द अदर एरोप्लेन हेल्प द नरेटर थ्रू आउट थ्रू द स्टॉम क्लाउड जो दूसरा एरोप्लेन था ब्लैक वाला उसने नरेटर की हेल्प करी स्टॉम के थ्रू निकलने में यस yes, ये बिल्कुल सही है लेकिन सही है तो चूज नहीं करेंगे भाई हम इसको यस एरोप्लेन वॉज अ घोस्ट प्लेन जो दूसरा एरोप्लेन उस नरेटर को दिखा था वो घोस्ट प्लेन था यानी उसमें भूत बैठा था तो उसमें भूत था उसमें कोई सच में पायलट था या नहीं था या उनका इनर कॉन्शियस था उनको कुछ भी नहीं पता ऐसा क्लियरली कहीं गिवन ही नहीं है कि वो घोस्ट प्लेन था तो ये गलत है गलत है यानी हमारे लिए सही है क्योंकि हमें तो गलत वाला ही चूज करना है नेक्स्ट सेंटेंस द नरेटर वॉज अवेयर ऑफ द मिस्टीरियस नेचर ऑफ द अदर एरोप्लेन नरेटर बिल्कुल अवेयर थे यानी नरेटर को बिल्कुल पता था कि ये जो दूसरा एरोप्लेन आया है ये मिस्टीरियस है यानी कोई रहस्यमय एरोप्लेन है इसमें कोई बैठा है इन सब टाइप के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज थी यानी उनको पता था तो ये स्टेटमेंट भी गलत है यानी हम लोगों के लिए सही है क्यों क्योंकि नरेटर को बिल्कुल भी नहीं पता था वो ब्लैक एरोप्लेन अचानक से कहां उस तूफान में आ गया और पायलट ने उसको इशारा किया कि आओ मुझे फॉलो करो हेल्प कर दी और मदद कर दी और बाद में तो वो कोई एरोप्लेन ऐसा था भी नहीं उनको पता चला तो उनको पहले से कहां से पता होगा दैट मीनस ऑप्शन नंबर टू फाइव एंड सिक्स आर करेक्ट तो ए फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव सही है लेकिन साथ में टू भी तो सही होना चाहिए तो ये नहीं है वन थ्री एंड सिक्स वन एंड थ्री गलत है सिक्स सही है तो ये भी नहीं थ्री एंड सिक्स नो सही जो थे 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 वो क्या थे? Confused थे, surprised थे, happy थे या A and B? Happy तो वो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि वो प्रॉब्लम में आ गए थे और बाद में उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता था कि कंफ्यूज थे क्योंकि पहले उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मेरे सब इंस्ट्रूमेंट्स चले गए येस yes, और बाद में भी वो कंफ्यूज हो गई कि अरे वो ऊपर था कौन फिर क्योंकि कंट्रोल यूनिट की लेडी तो कह रही है कि आज आपकी फ्लाइट के अलावा ऊपर कोई एरोप्लेन था ही नहीं नो बडी वॉज डेयर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था तो वो हर सिचुएशन में कही कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो गए थे वो सरप्राइज नहीं थे सरप्राइज तब हो जाते जो आपको शॉक लगता है क्या ऐसा कोई शॉक नहीं लगा बट वो हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज थे दैट मीन्स ऑप्शन बी भी नहीं होगा और जब बी नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा That means option A is the right option to this question. Next, why did the narrator desire to meet the pilot of the black aeroplane? Narrator ne क्यों socha narrator ki ichha ye desire क्यों rahi ki main us black aeroplane ke pilot se milu तो क्योंकि उस black aeroplane के pilot ने narrator की मदद करी, वो safely land करवाया उनको airport पे, तो उन्होंने सोचा कि at least मैं जाके उनको thank you तो बोलूं। इसीलिए वो उस black aeroplane के pilot से मिलना चाह रहे थे।

खुद नहीं पहुंचे मतलब उनके पहुंचने की बड़े मुश्किल हो गई थी वो ही इतनी बड़ी मुश्किल से लैंड करे तो उसको कहाँ से इन्वाइट करेंगे और ऐसा कुछ एक्सट्रैक्ट में भी नहीं गए है, है ना तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हु इज आय इन दबव लाइन ये जो भी अबव लाइन्स है उसमें ये आय कौन है तो आय ऑब्वियसली जो नरेटर है वही है

ये सारे डायरेक्शंस बताता है तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है ऑब्वियसली कंपस वर्ड आया है और कंपस ही था जो उनका फेल हो गया था चल नहीं रहा था वो मेल फंक्शन कर गया, कर गया था ओके सो द आंसर इज एंड पर हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं एंड नाउ वी विल बिगिन विद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन योर रीडिंग वुड यू कॉल द नरेटर अ फैमिली मैन जस्टिफाई योर स्टैंड ये जितना भी आपने रीड किया इस रीडिंग के बेसिस पे इस रीडिंग के आधार पर क्या आप नरेटर को एक फैमिली मैन कह सकते हैं हाँ या ना जो भी आपका आंसर है अपने आंसर को या अपने स्टैंड भी बोले तो अपने ओपिनियंस को अपने विचारों को जस्टिफाई करिए यानी कि एक्सप्लेन करिए डिटेल में ओके बहुत डिटेल में नहीं क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग नहीं लिखना है शॉर्ट में लिखना है ओके सो द आंसर इज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्टोरी दैट द नरेटर टूक हिट्स रिस्क टू मीट हिज फैमिली ही वॉज एक्साइटेड टू स्टे विद देम ज्यूरिंग द वेकेशंस तो ये स्टोरी रीड करके बिल्कुल एविडेंट है यानी बिल्कुल क्लियर है हम सबके सामने कि नरेटर ने अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया उनको पता था स्टॉम में जाऊंगा तो बहुत रिस्क हो सकती है लेकिन फिर भी उनको अपनी फैमिली के साथ वो वेकेशन स्पेंड करने थे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था उनको उनके साथ वो स्टे करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसलिए उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया ही वॉज ईगर टू जॉइन हिस् फैमिली एट द ब्रेकफेस्ट टेबल दिस शोज हिम टू बी अ फैमिली मैन उस उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट खाएं फैमिली के साथ पूरे टेबल पे बैठ कर वो बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाएं और ये करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क तक ले ली तो इससे ये दिखता है कि यस वो एक फैमिली मैन तो है ये डिसीजन उनका डेफिनेटली गलत था लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि वो एक फैमिली मैन थे कि फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे किस भी हद तक चले जाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द नरेटर वॉन्ट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन नरेटर को ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना था क्लियरली मिलना था इसीलिए क्योंकि उनको थैंक यू बोलना था क्योंकि जब वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे ऊबर स्टॉम में आ गए थे तो वहाँ पे ये ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने ही उनकी मदद करी थी अब डजेंट मैटर ये रियल में ब्लैक एरोप्लेन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता या वो उनका इनर कॉन्शियस था लेकिन उनको उसको थैंक करना था इसीलिए उसको मिलना था तो नरेटर वॉन्टेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज ही वॉन्टेड टू Thank pilot. Uske pilot ko thank you bolna tha. He had saved narrator's life by guiding him out of the storm clouds. उसने नरेटर की लाइफ और पूरे एयरोप्लेन के जो पैसेंजर्स थी उनकी लाइफ बचाई थी कैसे नरेटर को गाइड करके रास्ता दिखा के मार्गदर्शक बन के और उन स्टॉम के जो क्लाउड्स थे जो तूफानी बादल थे उनसे बाहर ले आया था उनको देअ लैंडली लैंड सेफली एट द एट एन एयरपोर्ट और इसलिए उन्होंने फाइनली एक बहुत सेफ्टी से एक एयरपोर्ट पर उसको लैंड करा दिया तो थैंक यू बोलने के लिए नरेटर को उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलना था ओके नेक्स्ट डू यू थिंक दैट आफ्टर हिज एक्सपीरियंस द नरेटर वुड बी एबल टू ट्रूली एन्जॉय द इंग्लिश ही हीड यर्न्ड फॉर व्हाई और व्हाई नॉट क्या आपको लगता है कि इतने भयानक एक्सपीरियंस इतने डेंजरस अनुभव को एक, मतलब फील करके कि ऊपर वो स्टॉम क्लाउड्स में फंस गए सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए फ्यूल टैंक खत्म होने पर था और वो पूरे स्टॉम क्लाउड्स में फंसे हुए हैं इतने पैसेंजर्स बैठे इतने खतरनाक एक्सपीरियंस को इतने अनुभव को फील करके कि आपको लगता है कि नरेटर अब घर जाके वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर पाएंगे ट्रूली यानी कि सच में वो इतना इंग्लिश ब्रेकफास्ट अपना वो इन्जॉय कर लेंगे येस yes, जिसके लिए उन्होंने इतना यर्न किया था इतनी उनकी इच्छा थी जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया इफ़ यस yes, आपको बताना है क्यों वाई अगर नहीं तो भी आपको बताना है वाई नोट जो भी आप आंसर लिखोगे उसका आपको रीज़न देना है लेट्स चेक द आंसर

इंग्लिश uh, ब्रेकफ़ास्ट के लिए उन्होंने यर्न किया था इतनी इच्छा की ली थी इतनी रिस्क ली थी वो ट्रूली अब इसको नहीं एन्जॉय कर पाएंगे क्यों नहीं इन्जॉय कर पाएंगे क्योंकि भले ही वो सेफली लैंड तो हो गए उनकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो गई उस टॉम से वो बच तो निकले लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट्स कुछ विचार कुछ सवाल उनके दिमाग में अभी भी घूम रहे हैं कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था उसका वो पायलट कौन था जिससे वो ऊपर स्टॉम में ऊपर तूफानी बादलों में मिले थे और इसी पायलट ने उनकी हेल्प करी थी उस तूफान को पास करने में यानी उससे गुजरने में और फिर बाद में पता चलता है कि वो कोई एरोप्लेन था ही नहीं ऊपर उनका ही एक अकेला एरोप्लेन था जो ओल्ड uh, डकोटा था और तो कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं तो ये सारे क्वेश्चन सवाल जवाब उनके दिमाग में घूम रहे होंगे इसलिए अब वो ट्रूली वो उस ब्रेकफस्ट को भी नहीं एंजॉय कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैसेज दैट द नरेटर वांट्स टू गिव टू द रीडर्स थ्रू द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन ये जो लेसन हमने पढ़ा ब्लैक एरोप्लेन इस लेसन के थ्रू जो नरेटर है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हम रीडर्स को यस yes? तो हमें वो बताना है द मैसेज दैट नरेटर वॉन्टेड टू कन्वे टू हिज रीडर्स वॉज टू नेवर लूज होप इन द मोस्ट होपलेस सिचुएशन द नरेटर वॉज रियली इन सच अ होपलेस सिचुएशन वेन ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद पैरिस कंट्रोल एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड तो नरेटर इस चैप्टर के थ्रू अपने रीडर्स को ये कन्वे करना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं कि कभी भी उम्मीद मत खो नेवर लूज होप कभी भी उम्मीद मत खोना चाहे कितनी भी होपलेस सिचुएशन हो जाए आपकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाए सिचुएशन वर्स्ट हो जाए लेकिन अपनी उम्मीद मत खोना वो उम्मीद हमेशा जगा के रखना नरेटर भी इसी तरीके की एक होपलेस सिचुएशन में फंस चुके थे जब उनका पैरिस कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट यानि संपर्क टूट गया था उनके जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका कंपस उनका रेडियो सब कुछ डेड हो गया था उनके फ्यूल टैंक्स ख़त्म होने पर आ गए थे सब कुछ ख़त्म हो गया था सोचो वो उतने खतरनाक तूफान में फंसे हुए थे लाइफ उनकी स्टेक पे लग गई थी लेकिन तभी भी उन्होंने होप नहीं खोई उनके मन में शायद ये उम्मीद की किरण ही थी जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसा लगा कि कोई ब्लैक एरोप्लेन आया है उसमें कोई पायलट है उनको बुला रहा है और फिर वो उसके डायरेक्शन फॉलो करते चले गए और सेफली लैंड हुए एक एयरपोर्ट पे और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई एरोप्लेन था ही नहीं दैट मीन्स ये क्लियर है कि उनका इनर कॉन्शियस उनको अपने मन में क्योंकि वो उम्मीद की किरण थी उनको ऐसा लगा कि कोई मेरी मदद करने आ गया है किसी को मैं फॉलो कर लेता हूँ और सम्हाव मैं निकल जाऊँगा स्टॉम में से ये उनका इनर कॉन्शियस था तो इनर कॉन्शियस तो है ही है साथ में एक उम्मीद थी वो किरण है एक छोटी सी उम्मीद ही थी स्टॉम में जिसमें उनकी मदद हो पाई तो ये यह, यही वो बताना चाहते हैं कि उम्मीद मत खोना कभी भी अपनी इट वॉज़ मिस्टीरियस पायलट हु हैप हिम होप टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन और वो मिस्टीरियस पायलट वो महस्यमय एरोप्लेन और पायलट ही था जिन्होंने उनकी मदद करी और उनको सर्वाइव करने में इस तरीके की सिचुएशन में उनकी हेल्प करी और ये होप ही थी, थी उनकी ये उनकी उम्मीद ही थी जिससे उनकी जान बच पाई ओके नेक्स्ट यहाँ पे हमारे अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ओवर होते हैं एंड यहाँ से अब हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड द नरेटर गेट आउट ऑफ द स्टॉम इन द नाइट टू लैंड सेफली जब वो स्टॉम में चले गए थे तूफान में चले गए थे नरेटर नाइट का समय था अंधेरा था स्टॉम था तो वो वहाँ से कैसे निकल पाए उस स्टॉम में से और सेफली उन्होंने एक एयरपोर्ट पे लैंड किया कैसे हुआ ये सब सो द आंसर इज वन द नरेटर गॉट इन टू द ब्लैक स्टॉम क्लाउड्स ही वॉज फ्राइटेंड एवरीथिंग वॉज डार्क अराउंड हिम एंड ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड इस प्लेन वॉज ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड ऑल इट्स इक्विपमेंट्स हैड स्टॉप वर्किंग तो जब नरेतर उन उस ब्लैक क्लाउड्स यानी काले स्टॉम के जो क्लाउड्स थे तूफानी बादल थे जब उसमें चले गए तो वो बहुत ज़्यादा डर गए सब कुछ उनके आसपास बिल्कुल डार्क दिख रहा था और वो अपने विंडो के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे हर जगह ब्लैक दिख रहा था इनफैक्ट उस टॉम की वजह से जो उनका प्लेन था ओल्ड डकोटा वो ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था यानी कि जिग जैग ऊपर नीचे इधर उधर जा रहा था प्लेन भी मिस पूरा डिसफंक्शन होने लगा था और जो उनके सारे इक्विपमेंट्स यानी जो उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे कंपस था रेडियो था और इसी सब डेड हो गए थे उनका रेडियो सिग्नल सिग्नल जो था पैरिस कंट्रोल रूम से वो भी उनका जो संपर्क था वो भी उनका टूट गया था सडनली द नरेटर सॉ ब्लैक एरोप्लेन विथ नो लाइट्स बाय हिज साइड इट्स पायलट सिग्नल ड नरेटर टू फॉलो सडनली एरो नरेटर ने एक दूसरा एरोप्लेन देखा जिसके साइड्स में कोई लाइट भी नहीं थी ब्लैकिश कलर का वो एरोप्लेन था और उसमें एक पायलट बैठा था जो नरेटर को सिग्नल कर रहा था कि तो मुझे फॉलो करो यानी जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ जाओ नरेटर ओबेड द पायलट एंड वॉज रिलीव्ड टू हैव रिसिव्ड हेल्प फ्रॉम हिम नरेटर ने जैसा उस पायलट ने कहा उसकी बात को ओबे किया यानी उसकी बात को मान लिया और कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिला शांति मिली कि चलो भाई मुझे कहीं सही सही बट एटलीस्ट कुछ हेल्प कुछ मदद तो मिली द ब्लैक एरोप्लेन वेंट अहेड ऑफ द नरेटर्स प्लेन सो दैट नरेटर कोड ईजिली फॉलो तो ब्लैक एरोप्लेन था वो जो नरेटर का प्लेन ओल्ड डकोटा प्लेन था उसके आगे चला गया और चलता चला गया ताकि नरेटर अपने प्लेन के साथ उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर पाएँ ओके okay? आफ्टर हाफ एन आवर द नरेटर was टेरिफाइड बिकॉज there was लेस फ्यूल इन द tank and इट पुट ओनली अलाउ द प्लेन टू फ्लाई फॉर five और ten मिनट्स अब आधा घंटा हो गया उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए नरेटर अब बहुत ज़्यादा टेरिफाइड यानी बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके फ्यूल टैंक में जो फ्यूल था वो बिल्कुल कम था और अब प्लेन मुश्किल से सिर्फ पाँच या दस मिनट ही चल पाएगा इससे ज़्यादा प्लेन चल भी नहीं पाएगा However, suddenly the narrator's plane came out of the storm above a runway. So the narrator landed his plane safely. Or suddenly और सडनली उन्होंने देखा कि अब पाँच दस मिनट ही बचे हैं। और अचानक से वो उस ब्लैक स्टॉम वाले बादलों में से बाहर निकल गए उनको वो दो लाइन दिखने लग गई लाइट्स की यानी कि वो रन वे पर आ गए यानी कि वो एयरपोर्ट पहुंच गए और जब एयरपोर्ट पहुंच गए आप तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और इस तरीके से उन्होंने अपने प्लेन को सेफली लैंड कराया एक एयरपोर्ट पर ओके okay? तो इस तरीके से एयरपोर्ट की प्लेन की सेफ लैंडिंग हुई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू अग्री दैट द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन इज अस्ट्री स्टोरी जस्टिफाई क्या आप इस बात से अग्री करते हैं क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि जो स्टोरी है जिसका नाम ब्लैक एरोप्लेन है ये एक तरीके की मिस्ट्री स्टोरी है यानी एक तरीके की रहस्यमय स्टोरी है जस्टिफाई करिए यानी एक्सप्लेन करिए इस बात को तो यस हम कह सकते हैं मिस्टीरियस स्टोरी है क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन उनको दिखा पायलट दिखा लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई था ही नहीं नो बडी वॉज डेर ये लेट्स चेक द आंसर यस आई अग्री दैट दिस इज अस्ट्री स्टोरी द नरेटर वॉज फ्लाइंग इज ओल्ड अकोटा प्लेन ऑन अ क्लियर नाइट स्काय द फ्लाइंग वॉज इजी इन द क्वाइट स्काय हाउ एवर सडनली एंड मिस्टीरियसली ही सॉ अ ब्लैक स्टॉन्ड्स इन द स्काई ही कुड नीदर फ्लाई ओवर द क्लाउड्स नॉर गो बैक टू पैरिस सो ही एंटर द स्टॉम क्लाउड्स तो येस हम इस बात से एग्री करते हैं सहमत है कि ये जो स्टोरी है ये एक मिस्ट्री स्टोरी है यानी एक रहस्यमयी कहानी है जो नरेटर थे वो अपने ओल्ड डकोटा नाम के प्लेन को फ्लाई कर रहे थे एक क्लियर नाइट स्काई पे यानी रात का समय था और स्काई बिल्कुल क्लियर था कोई बादल नहीं थे कुछ नहीं थे बढ़िया इजी प्लेन फ्लाई कर रहा था आराम से स्काई भी बहुत क्वाइट था स्मूथ चल रहा था पूरी जर्नी यस लेकिन सडनली अचानक से उन्होंने क्या देखा एक मिस्टीरियस यानी रहस्यमय उन्होंने काले बादल देखे अपने सामने और वो काले बादल स्टॉम के थे यानी तूफानी बादल थे वो आसमान में उन उन्हों उनके पास इतना लिमिटेड फ्यूल था बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था कि भाई वो उस क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई करके आगे निकल जाए और ना ही इतना फ्यूल था कि वापस पैरिस चले जाएँ क्योंकि पैरिस यानी फ्रांस से निकले हुए उन्होंने ऑलरेडी 150 फिफ्टी किलोमीटर्स क्रॉस कर लिए थे तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो वापस चले जाएं या स्टॉम को क्रॉस कर लें उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो रिस्क लें और इस स्टॉम को ही पार करें यानि इन काले बादलों को ही पार करें इसी वो उन स्टॉम के क्लाउड्स में एंटर कर गए यस इनसाइड द स्टॉम क्लाउड्स एवरीथिंग डार्क जब वो अंदर गए उन्होंने देखा सब तो डार्क है बहुत अंधेरा है द नरेटर कुडें सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन अगैन मिस्टीरियसली ऑल द इक्विपमेंट्स ऑफ द प्लेन हेट स्टॉप वर्किंग एंड द नरेटर वॉज लॉस्ड और उन्होंने देखा कि बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा प्लेन के बाहर सब कुछ अंदिरा है और फिर से मिस्टीरियसली इतनी रहस्यमय बात फिर से ये है कि उनके सारे एक्विपमेंट सारे इंस्ट्रूमेंट भी फेल हो गए डायरेक्शन देखने के लिए उन्होंने कंपस उठाया कंपस डेड हो चुका था कंट्रोल uh, रूम से सिग्नल कनेक्ट करने के लिए रेडियो उठाया तो रेडियो डेड था तो ये क्या है ये रहस्य ही तो है कि सडनली ब्लैक क्लाउड आया अंदर गए उसमें

कलर का एक ब्लैक कलर का प्लेन आया जिसमें कोई लाइट्स भी नहीं थी उसके साइड में कोई लाइट्स नहीं थी और उसमें एक पायलट बैठा था जिन्होंने उसको इशारा करा कि मुझे फॉलो करो ताकि वो पायलट उनको गाइड कर दे और इन ब्लैक क्लाउड्स के थ्रू यानी बाहर निकाल दे और उस पायलट ने ऐसा किया भी उन्होंने फॉलो करवाया ओल्ड अकोटा और नरेटर को अपने प्लेन के पीछे और उनको एक डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकाला और लेड हिम सेफली और सेफली उनको एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाई After the narrator had landed, he wanted to thank the pilot for helping him. But he was surprised to know that only his aeroplane was seen on the radar. जब एरोप्लेन लैंड हो गया नरेटर का तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा सबसे पहले वो कंट्रोल रूम गए और उन्होंने एक वहाँ लेडी बैठी थी उससे पूछा कि भाई मुझे उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलना है आई want टू थैंक हिम कि उसने मेरी जान बचाई तो उसे उन्हें यह पता चलता है वो सरप्राइज हो गए जान के ये बात कि भाई रडार पे यानी कि वो जो रेडियो सिग्नल कंट्रोल यूनिट वाले यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि एरोप्लेन ऊपर कहाँ है उसकी किस पोजीशन है किस डायरेक्शन में तो वो लेडी कहती है हमें रडार पे तो सिर्फ आप ही अकेले का एरोप्लेन दिखा आज रात में कोई और फ़्लाइट कोई और एरोप्लेन था ही नहीं सिर्फ अकेला आपका एरोप्लेन था और ये जान के वो बहुत सरप्राइज़ हो गया कि मुझे तो एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा था फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद करी थी वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था वो पायलट था वो था कौन जिसने मुझे इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल दिया हैंस द ब्लैक एरोप्लेन इज मिस्ट्री स्टोरी और हैंस यानी सबसे पता चलता है कि जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन uh, ये एक मिस्ट्री स्टोरी यानी एक रहस्यमय कहानी क्योंकि चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो ब्लैक एरोप्लेन था नहीं था पायलट था कि नहीं था कौन था रडार पर तो कोई नहीं दिखा था यस yes, और उनके एरोप्लेन के अलावा कोई और दूसरा एरोप्लेन फ्लाई भी नहीं करा था तो फिर वो किसका था किसका एरोप्लेन था वो स yes, तो वो इधर कॉन्शियस था उनका कोई घोस्ट प्लेन था क्या था नो बड़ी नोस तो एक रहस्य ही रह गया ये एक मिस्ट्री रह गई हमके लिए दैट हमारे लिए इसीलिए दिस स्टोरी इज अ मिस्ट्री स्टोरी ओके एंड विद दिस दिसम टू दिसन आई होप आपको द ब्लैक एरोप्लेन के सारे एम आई क्यूज यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियोज को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं विच इज डब्ल्यू 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 डॉट मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम वहां पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज के वीडियोस मिल जाएंगे आपको हमारे ई नोट्स ई बुक्स सब कुछ मिल जाएंगे जिसकी डिस्क्रिप्शन जिसकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी ओके विद दिस आई टेक लीव फ्रॉम यू तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर